आज हम लोग जिस स्टोरी को पढ़ेंगे उसका नाम है द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट स्टोरी। ठीक है, ये ग्रेट स्टोरी के बारे में, वो स्टोरी कैसे कहाँ से आया उसके बारे में ये स्टोरी है, इसलिए इसका नाम ऐसा है द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट स्टोरी। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट स्टोरी में चले जाते हैं। ऊपर का ये पोर्शन है, देखोगे पढ़ोगे खुद से कर पाओगे ये। अच्छा, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैन हु स्पेंट 4 ईयर्स एंड 4 मंथ्स ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड। तो ये स्टोरी एक ऐसे मैन का है जो कि 4 ईयर्स और 4 मंथ्स एक आइलैंड में अकेले थे। ओके, अच्छा, 200 ईयर्स अगो अ मैन लिव्ड इन स्कॉटलैंड हुज नेम वॉज अलेक्जेंडर सेल्किर्क। He was a rough man with a bad temper. He was often causing trouble among his neighbors. तो देखो 200 years ago, देखो वहाँ पे 200 साल पहले क्या अलेक्जेंडर सेल्किक नाम का एक इंसान रहते थे स्कॉटलैंड में, जो कि बहुत ही ख़राब मिजाज के थे, बैड टेम्पर के थे। ओके, और वो अपने पड़ोसी से, नेबर्स से हमेशा ही कुछ ना कुछ इसमें ट्रैवल करते थे पड़ोसी को, ठीक है, परेशान करते थे। नेक्स्ट पेज। For these reasons, many people were glad when he ran away from home and went to sea. We hope that he gets what he deserves, they said. तो जब वो घर छोड़ के नेवी यानी सेलर बनने चले गए समुंदर में, तब बहुत ही लोग, उनके पड़ोसी लोग बहुत खुश हो गए। उनको वो लोग सोचे कि हम वो जो डिज़र्व करते थे वो जैसे है उनको, ये क्या हम नेवी पे यानी समुंदर पे वहीं पे रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो लोग खुश हो गए। अलेक्जेंडर वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड सून बिकम अ फाइन सेलर, बट ही वॉज स्टील अ वेरी स्टबर्न मैन। ही गॉट इन टू ट्रबल विद द अदर सेलर्स ड्यू टू हिज टेम्पर। देखो अलेक्जेंडर स्ट्रॉन्ग थे और क्या, वो बहुत ही जल्दी एक अच्छा सेलर बन गए। ठीक है, क्या पर उनका जो टेम्पर था वो वैसा ही था, उनका मिजाज तो जो वैसा ही था, इसलिए वो अपने दूसरे सेलर्स के साथ हमेशा कुछ ना कुछ झमेले में लगे रहते थे। ठीक है, उनको परेशान करते रहते थे। वंस हिज शिप वॉज सेलिंग इन द ग्रेट पैसिफिक ओशियन, इट वॉज 400 माइल्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। सेल्किक हैड बिकम इवन मोर अनप्लीजेंट। देखो अभी क्या, एक दिन जो जहाज़ पे वो जा रहे थे, वो जहाज़ कहाँ पे जा रहा था, साउथ पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, पैसिफिक ओशियन वो कहाँ है, वो लैंड से वो लोग तब थे 400 माइल्स दूर। ठीक है, तो वो और भी तब अनप्लीजेंट हो गए और क्या, ही स्टार्टेड क्वारलिंग अपने दूसरे सेलर्स फ्रेंड से, वो झगड़ा स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और उनसे क्या, वो यहाँ तक कैप्टन से भी वो झगड़ा स्टार्ट कर दिए। कैप्टन जो होते हैं ना, वो जहाज़ के हेड होते हैं। ठीक है, वो जो बोलते हैं वही होता है। तो देखो, आई वुड रादर लीव अलोन ऑन अ डिजर्टेड आइलैंड देन बी अ सेलर ऑन दिस शिप, ही सेड। तो गुस्से में वो क्या बोले, गुस्से में अलेक्जेंडर बोले कि इस शिप में सेलर होने से तो बेहतर है कि हम कोई डिजर्टेड आइलैंड यानी जिस पे कोई नहीं जाता, ऐसे एक आइलैंड में हम रहे। वेरी वेल आंसर द कैप्टन, कैप्टन बोला ठीक है बहुत अच्छा, तो फिर क्या, वी शैल पुट यू अशोर ऑन द फर्स्ट आइलैंड दैट वी सी। तो यहाँ से जब पहला वाला आइलैंड हम लोग देखेंगे वहीं पे हम लोग तुमको छोड़ देंगे। डू सो, सेड सेल्किक। सेल्किक बोला हाँ वही कीजिए, यू कैनॉट प्लीज मी बेटर, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। दे वेरी नेक्स्ट डे दे सॉ अ लिटिल ग्रीन आइलैंड, देयर वेर ग्रोव्स ऑफ ट्रीज नियर द शोर एंड हाई हिल्स बियॉन्ड देम। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार हम जिस्ट कर देते हैं,
कि वो जब अपने दूसरे सेलर के साथ और कैप्टन के साथ झगड़ा कर रहे थे तो वो क्या बताया कि सेलक्रिक ने बोले कि इस शिप में सेलर होने से बेहतर है हम कोई ऐसे आइलैंड में रहें जहाँ पे कोई नहीं रहता। तो कैप्टन ने बोला कि ठीक है वही करेंगे, जो हम लोग पहला वाला आइलैंड देखेंगे वहीं पर तुमको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे जैसे बोलना वैसे ही करना, नेक्स्ट डे बोलो क्या किए, एक आइलैंड देखे बोलो, हाँ वहाँ पे क्या पेड़ थे, ठीक है, तो और पहाड़ भी थे, ऐसे वाले एक आइलैंड बोलो देखे। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में, उन्हीं इस पेज में थोड़ा और है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस आइलैंड, सेड सेल्क्रिक। सेल्क्रिक बोले कि इस आइलैंड का नाम क्या है, जुआन फर्नांडिस, ठीक है, जुआन फर्नांडिस, सेड द कैप्टन, सेट मी ऑन द शोर एंड लीव मी देयर, गिव मी अ फ्यू कॉमन टूल्स एंड सम फूड एंड आई विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, सेड द सेलर। तो सेलर यहाँ पे कौन, सेल्क्रिक। सेल्क्रिक ने क्या बोला कि मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए और मुझे कुछ कॉमन टूल्स जो कि काम में आएगा ऐसा कुछ टूल्स दे दीजिए और कुछ खाना दे दीजिए तो हम खुश रहेंगे इसी से हम। नेक्स्ट पेज, इट शैल बी डन, आंसर द कैप्टन। सो दे फिल्ड अ स्मॉल बोट विद द थिंग्स दैट ही वुड नीड द मोस्ट, एंड एग्स एंड हो एंड कैटल सम अदर थिंग्स, दे ऑल्सो पुट इन सम ब्रेड एंड मीट इन अदर फूड आइटम्स इनफ फॉर सेवरल वीक्स। तो देखो उन्होंने सेल्क्रिक को उसी आइलैंड पे छोड़ दिए और उनके उसके साथ उनको जो जो टूल्स चाहिए वो जैसे कि एग्स हो गया, केटल हो गया, सब कुछ दे दिए और क्या बहुत हफ्तों तक चलेगा ऐसा खाना भी उनको दे दिए। देन फोर ऑफ द सेलर्स रोड हिम टू द शोर एंड लेफ्ट हिम देयर, द शिप सेल्ड अवे एंड वाज सून लॉस्ट टू साइट। देखो अभी क्या और चार जन सेलर ले जाके एक छोटे बोट पे उनको ले जाके वहाँ पे आइलैंड पे छोड़ दिए, छोड़ के वो लोग रिटर्न कर गए, वो लोग शिप में चले गए और देखते ही देखते वो शिप भी बहुत दूर चला गया, ठीक है। तो फिर क्या आइलैंड में वो लोग सेल्क्रिक को छोड़ के चले गए। Then Selkirk set to work to make the best of things. He built himself a little hut for shelter at night and in stormy weather. He planted a small garden. देखो सेल्क्रिक तो स्ट्रॉन्ग थे, हम लोगों को पता ही है। तो सेल्क्रिक ने क्या किए, अपने लिए एक हट बना लिए, हट ये छोटा सा घर बना लिए रहने के लिए जिसपे वो रह सकते हैं रात को, और क्या जब स्टॉर्मी वेदर होगा तो उस पर वो रह सकते हैं, और क्या वो एक छोटा सा गार्डन भी बना लिए। देयर वेर गोट्स ऑन द आइलैंड एंड प्लेंटी ऑफ फिश कुड बी कॉट फ्रॉम द शोर। वहाँ पे देखो बहुत सारे गोट्स थे, गोट्स और क्या समुद्र से फिश तो पकड़ ही सकते थे। सो देयर वाज ऑलवेज प्लेंटी ऑफ फूड, सून ही बिगन टू सी हाउ। अच्छा तो देखो वहाँ पे तो क्या खाने का कोई कमी नहीं था, ठीक है, प्लेंटी ऑफ फूड्स यानी खाने का कोई कमी नहीं था। सून ही बिगन टू सी हाउ फुलिश शी हैड बीन, ही थॉट हाउ टेरेबल इट वुड बी टू लिव देयर विदाउट वन फ्रेंड, विदाउट वन पर्सन विथ हुम ही कुड स्पीक। देखो धीरे धीरे उसको लगने लगा, उसको ये रियलाइज होने लगा कि वो कितना बड़ा फुलिश है, यानी क्या उसके पास सब कुछ खाना वाना तो है पर वो जो बात करेगा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है, वो किसके साथ बात करेगा, कोई पर्सन दूसरा पर्सन वहां पे नहीं है। समटाइम्स सेल्क्रिक सॉ शिप सेलिंग इन द डिस्टेंस, ही ट्राइड टू सिग्नल देम, ही कॉल्ड एज लाउडली एज ही कुड बट ही वॉज नीदर सीन नॉर हर्ड एंड द शिप्स केम नो नियरर। देखो तो सेल्क्रिक का भी लौटना चाहते थे क्योंकि उनको वहाँ पे अकेले और अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो वो क्या जो भी शिप देखते थे उस शिप को वो सिग्नल देने की ट्राई करते थे, वो चीखते थे, चिल्लाते थे, जितना ज़ोर से हो सके बुलाते थे शिप को, पर कोई भी शिप उनको देख नहीं पाए और कोई भी शिप उस आइलैंड के पास भी नहीं आए, ठीक है।
पिक्चर में भी वही दिखाया जा रहा है। देखो नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग। इफ आई एवर हैव द गुड फॉर्चून टू एस्केप फ्रॉम दिस आइलैंड, ही सेड, आई विल बी काइंड एंड ऑब्लिजिंग एंड ऑब्लाइजिंग एंड ऑब्लाइजिंग टू एवरी वन। ऑब्लाइजिंग मीन्स काइंड। तो देखो सबके साथ अगर वो सोचते थे अगर मेरा फॉर्चून इतना या ना मेरा लक इतना अच्छा हुआ कि हम इस आइलैंड से निकल पाए तो क्या हम सबके साथ काइंड होंगे, सबके सबको हेल्प करेंगे। ओके, आई विल ट्राई टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज। तो देखो हम क्या ट्राई करेंगे, ये सेल्क्रिक बोल रहे हैं कि अगर वो वहाँ से निकल पाए तो वो इसके बाद वो फ्रेंड्स बनाएंगे ना कि एनिमीज। ठीक है, एनिमीज नहीं फ्रेंड्स। तो देखो ये दो ऑपोजिट होते हैं, फ्रेंड्स एंड एनिमीज। फॉर 4 years एंड 4 months ही लिव्ड अलोन ऑन द आइलैंड। देखो 4 years एंड 4 months के लिए वो उसी आइलैंड पे रहे। देन टू हिज ग्रेट जॉय अ शिप केम नियर एंड एंकर्ड इन द लिटिल हार्बर। तो देखो आफ्टर 4 years एंड 4 months एक शिप वहाँ पे आए और वहाँ पे उस आइलैंड पे आए। ही मेड हिमसेल्फ नोन एंड द कैप्टन विलिंगली एग्रीड टू कैरी हिम बैक टू हिज ओन कंट्री। तो उस शिप का जो कैप्टन थे, जो शिप उस आइलैंड में आए आफ्टर 4 years एंड 4 months, वो सेल्क्रिक के बात सुन के सेल्क्रिक को ले जाने के लिए राजी हो गए। तो ऐसे करके सेल्क्रिक अपने कंट्री अपने शहर में पहुँचे। व्हेन ही रीच स्कॉटलैंड एवरीबॉडी वॉज ईगर टू हियर हिम टेल ऑफ हिज एडवेंचर्स एंड ही सून बिकेम वेरी फेमस। देखो अभी जब सेल्क्रिक अपने शहर में पहुँचे तो सब कोई सेल्क्रिक से सुनना चाहते थे कि ये जो 4 साल उन्होंने 4 years एंड 4 months उन्होंने आइलैंड में अकेले अकेले गुजारे तो क्या क्या एडवेंचर्स वो फेस किए, कैसे कैसे वो ये टाइम स्पेंड किए, ये सब स्टोरी सब कोई लोग सुनना चाहते थे। और ऐसे करके सेल्क्रिक एक फेमस पर्सन बन गए। ठीक है, In England, there was then having a man whose name was Daniel Defoe. He was a journalist and author. उसी टाइम वहाँ पे इंग्लैंड में एक राइटर रहते थे, ऑथर रहते थे, जिनके नाम है डैनियल डिफॉय। ठीक है, वो एक जर्नलिस्ट भी थे। He had written many stories which people at that time liked to read. उनकी लिखी हुई बहुत स्टोरी उस टाइम में लोग पसंद करते थे। व्हेन डैनियल डिफॉय हर्ड हाउ सेल्क्रिक हैड लिव्ड अलोन ऑन द आइलैंड ऑफ जुआन फर्नांडिस, ही सेड टू, देखो उस आइलैंड का नाम तुम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जुआन फर्नांडिस जिस आइलैंड में सेल्क्रिक थे। ठीक है, Here is something worth telling about the story of Alexander Selkirk is very pleasing. तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, उस टाइम में देखो हम लोगों ने सुना पढ़ लिया कि सेल्क्रिक फेमस बन गए थे। अब उस टाइम में इंग्लैंड में एक राइटर, एक ऑथर और जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था डैनियल डिफॉय। उन्होंने जब सेल्क्रिक के बारे में सुना तो उनको लगा कि सेल्क्रिक की स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये अगर हम लिखेंगे तो सब कोई इसको पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, सो ही sat down and wrote a wonderful story which he called The Adventures of Robinson Crusoe. देखो तो फिर वो एक स्टोरी लिखे जिसका नाम है The Adventures of Robinson Crusoe और ये क्या है, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। ठीक है, एवरी बॉय एंड गर्ल हैज़ हर्ड रॉबिन्सन क्रूसो, हैव यू हर्ड दिस स्टोरी। तो क्या रॉबिन्सन क्रूसो ये जो स्टोरी है इसके बारे में सब कोई जानते हैं, सब कोई बहुत पसंद करते हैं, पर ये स्टोरी कैसे लिखे, ये स्टोरी डैनियल डिफॉय को किससे पता चला, कैसे लिखे, किसके ऊपर बेस करके ये स्टोरी लिखे, वो कौन थे, सेल्क्रिक। ठीक है, तो इसलिए इस स्टोरी का नाम है द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट स्टोरी। अ ग्रेट स्टोरी यहाँ पे क्या है, अ ग्रेट स्टोरी यहाँ पे है रॉबिन्सन क्रूसो और द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। और ये स्टोरी
कैसे हुआ इसके बारे में ही हम लोग अभी तक पढ़े, ये स्टोरी जो हम लोग अभी तक पढ़े, ठीक है। राइटर का नाम पढ़ लेना, यहाँ पे थोड़ा कट गया है। अच्छा, तो आई होप तुम लोग समझ गए स्टोरी को। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना।